नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क भारत में सिख समुदाय के सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय अलगाववादी विचारधारा और विदेश में तिरंगे के अपमान के विरोध में सिख समाज के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भारत हमारी जन्मभूमि है, इसकी स्वतंत्रता समाज में नए भारत के निर्माण में हमने योगदान दिया है और हम तिरंगे का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही देश के विभाजन की बात सुनकर हम चुप नहीं रहेंगे और अलगाववादी और देश को तोड़ने वाली ताकतों का हम पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह प्राइम टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत भूमि की संपूर्ण भारत हमारी गुरु की धरती है और कुछ उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। विदेश में भारत के झंडे को उतारने को लेकर आज सिख समुदाय कहीं ना कहीं आक्रोशित है। वो शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं झंडे के सम्मान की बात कर रहा है और साथ ही जो सिख समाज में अलगाववाद एवं उग्रवाद का बहिष्कार करते हुए ये आज एक प्रदर्शन किया गया है राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क में। आज देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल की प्रतिमा के नीचे आज सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय के लोग आज झंडे के सम्मान में यहाँ बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक कल्याण के सदस्य परमिंदर सिंह जी हैं। परमिंदर सिंह जी, आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपके साथ लगभग सैकड़ों में लोग हैं, क्या है मामला, किस लिए एकत्रित? लोग आज भारत की एकता अखंडता अक्षुण रहे इसके लिए संपूर्ण भारत को संदेश देने आए हैं कि हम लोग गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्र हैं और हम लोग सदैव इस धारा को हम लोगों ने अपने खून से सींचा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अलगाववाद की बात करे, चाहे अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास पे तोड़फोड़ की बात है या इंग्लैंड में भारतीय तिरंगे को उतारिए, हम लोग इन घटनाओं को निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं और हम लोग भारत माँ के साथ हैं, भारत माँ के लाल हैं हम लोग। इसलिए आज यह बताने और यह संपूर्ण भारत को अवगत कराने कि भारत का सिख किसी भी प्रकार के अलगाववाद के विरोध में है और उसके साथ नहीं है, इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्र होकर गुरुवाणी का पाठ आयोजन किया है। जी, अगर इन मुद्दों से हट के बात की जाए तो पंजाब के अंदर में अमृतपाल की अगुवाई में कहीं ना कहीं खालिस्तान की मांग तेज हो गई है। इन तमाम जो अगर मांगों को देखा जाए अमृतपाल पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, छानबीन की जा रही है अमृतपाल की कि उससे पूछताछ की जाए, तमाम फंडिंग के आरोप भी लगे हैं, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, चंद लोगों के कारण देश की व्यवस्था या देश के संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हम भारत में विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं सिख समाज और बहुत खुश से हैं। हमारे कुछ गुरुद्वारे बिहार में पाए जाते हैं, श्री पटना साहब वगैरह जो गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थली, कुछ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, कुछ आसाम में पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत ही हमारा खालिस्तान है क्योंकि भारत पवित्र भूमि है और खालिस्तान से मतलब खालिस प्योर से है, तो भारत में ही यही हमारा खालिस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है और यही हमारी भारत माँ है। हमें इसके अतिरिक्त कोई भी नेशन की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से एक स्पष्ट संदेश संपूर्ण भारत के सिखों को भी देना चाहते हैं। अगर देखा जाए परमिंदर जी, तो अगर इंडियन आर्मी को उठाएं तो लगभग एक अच्छी खासी तादाद में सिख समुदाय के लोग देश की रक्षा करते हैं अलग अलग मोर्चों पे, और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो पंजाब के बाद धीरे धीरे कनाडा में भी एक अलगाववादी सोच की कहीं ना कहीं विकसित हो रही है, क्या कहेंगे? मेरा स्पष्ट आशय है कि ये चंद लोग हैं, सरकार का कर्तव्य है कि इसको तत्काल दबाए। ये चंद लोग सिख समाज नहीं हो सकता। सिख समाज 3 करोड़ से अधिक आबादी में पूरे भारतवर्ष में है। चंद 10-20-50 लोग अगर पूरे इंग्लैंड, पूरे कनाडा और पूरा आपका पंजाब में इन लोगों के कारण कोई समाज में चीजें खराब होती हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। लॉ मस्ट बी प्रिवेल ऑन एनी कॉस्ट और संविधान का पालन होना चाहिए। संविधान हम सबको एकता अखंडता देता है, हम अलगाववाद के विरोध में हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम अलगाववाद के विरोध में हैं और हाल फिलहाल में जो विदेशों में भारत के झंडे के साथ कृत किया गया हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी विजय से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय के लोग अपने हाथों में नेम प्लेट लेकर यानी तख्तियों को लेकर एक संदेश दे रहे हैं, हाथों में इनके झंडा है और झंडे के माध्यम से ये देश की एकता अखंडता को दर्शा रहे हैं और ये कहते हुए रहे हैं कि भारत ही हमारा खालिस्तान है, हमें खालिस्तान की आवश्यकता। उन्होंने साफ तौर पर हमने सुना कि परमिंदर से का यही कहना है कि हम इस भारत से खुश हैं और हमें उन अलगाववादी सोच का हम पुरजो विरोध करते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभान सुप्रीम टीवी लखनऊ।
तो आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में सिख समाज का प्रदर्शन देखने को मिला, जो भी खालिस्तानी समर्थक है और जिन्होंने ये मांग उठाई कि खालिस्तान बनाया जाए उनके खिलाफ एक बार फिर से यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए लखनऊ में 75 हेल्थ ATM स्थापित कराए हैं। इन हेल्थ ATM का उद्देश्य ये था कि अस्पतालों से भीड़ कम हो और लोग इन हेल्थ ATM के माध्यम से अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। लेकिन हाथी पार्क में स्थित हेल्थ ATM में चोरी की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्राइम टीवी की टीम ने इस हेल्थ ATM का मुआयना लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों की लागत से हेल्थ ATM का निर्माण कराया और लखनऊ में कुल 75 हेल्थ ATM स्थापित किए जा चुके हैं। कई CSC में भी हेल्थ ATM जो है लगाए गए हैं। इस समय हम गांधी पार्क में हैं और आपको इस हेल्थ ATM को दिखा सकते हैं। अभी इस हेल्थ ATM में ताला लगा हुआ है और 2 दिन पहले ही जो है इस हेल्थ ATM में चोरी हुई थी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस हेल्थ ATM को पूरी तरीके से दिखाया जाए, किस प्रकार से कांच के टुकड़े जो है यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं और कांच की शीशे की दीवार को तोड़कर जो है चोरों ने चोरी की और जो सामान है हेल्थ ATM से वो चुराने में वो कामयाब रहे। अब इसके बाद इसको इस पर एक ग्रिल लगा दी गई है लोहे की। और मैं आपको बता दूं कि इस हेल्थ ATM के जरिए मरीजों का इलाज होता है, कई प्रकार की बीमारियों की जाँच होती है और उत्तर प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल भी है इस प्रकार के हेल्थ ATM को अलग अलग शहर के क्षेत्रों में स्थापित करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेल्थ ATM में कोई भी CCTV कैमरे नहीं है। अगर CCTV कैमरा होता तो उन चोरों की शिनाख्त हो चुकी होती। तो सबसे बड़ी कमी जो यह है, कोई भी जो हेल्थ ATM है उसमें CCTV कैमरे तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो मानक है कि CCTV कैमरे होने चाहिए उस पर जो ये हेल्थ ATM तक खड़ा नहीं उतरा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी लो दिखी गई है कई हेल्थ ATM पर। यहाँ पे चोरी हुई थी, कांच के टुकड़े आप देख सकते हैं। अगर CCTV कैमरा होता तो हेल्थ ATM से जो है वो जो चोर हैं उनकी शिनाख्त हो सकती थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेल्थ ATM भी जो है अब सुरक्षित जो है लखनऊ में नहीं है। सरकार को चाहिए कि इन हेल्थ ATMO का जिस प्रकार से निर्माण कराया गया है उसमें CCTV की भी व्यवस्था या बंदोबस्त होनी चाहिए। लखनऊ से नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम TV। तो आपने देखा कि किस तरीके से सरकार ने हेल्थ ATM तो लगा दिए, लेकिन उन हेल्थ ATM में किसी भी तरह का कोई भी CCTV मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से चोर आराम से हेल्थ ATM में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं और पुलिस की पकड़ से भी बाहर होते हैं। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।